फिल्म हो या टीवी इंडस्ट्री, यहाँ पर ब्रेकअप और पैचअप आम सी बात है। कुछ समय पहले ही बिग बॉस फेम आसिम रियाज और हिमांशी खुराना की राह एक दूसरे से अलग हो गई। आसिम और हिमांशी की पहली मुलाकात सलमान खान के विवादित शो बिग बॉस 13 में हुई थी। हिमांशी खुराना ने इस शो में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंट्री ली थी। शो में आसिम ने पहली नजर में हिमांशी खुराना को अपना दिल दे दिया था। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और इनके बीच की बॉन्डिंग भी लोगों को काफी पसंद आया। इनकी जोड़ी को पसंद करने वाले लोगों ने इन्हें आसिम का नाम भी दिया। खैर, ब्रेकअप के बाद हिमांशी खुराना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने मेंटल ब्रेकडाउन से जुड़ा इशारा दिया है। दरअसल हिमांशी खुराना ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें लिखा हुआ है कि 20 मिनट के मेंटल ब्रेकडाउन के बाद उनकी हालत कैसी होती है। हालांकि ये पोस्ट हिमांशी खुराना ने नॉर्मली शेयर किया है, लेकिन लोगों ने ब्रेकअप वाले फैसले को अब सही बता रहे हैं। एक यूजर ने इस वीडियो पर कमेंट किया है, आसिम रियाज से अलग होने के बाद अब ज्यादा खुश नजर आती है। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, तुम अकेले ही काफी हो हिमांशी। बता दें कि हिमांशी खुराना इस वीडियो को अब तक 4.5 लाख से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं। बता दें कि आसिम रियाज भी हिमांशी खुराना पर जान छिड़कते थे। बिग बॉस में हिमांशी खुराना के इविक्शन पिक बाद आसिम रियाज काफी रोए थे। वहीं आसिम रियाज को उस दौरान सलमान खान ने भी खूब समझाया था हिमांशी खुराना के लिए। आसिम रियाज का प्यार भी किसी से छिपा नहीं था, लेकिन दुनिया समाज को ध्यान में रखने पर दोनों ने अपनी राहें अलग कर ली। बहरहाल, आपका इस पूरी खबर पे क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।